पहले कुछ जरूरी चीज है जी, जब आप पौधा लगाते हैं, बहुत सारे लोग आजकल प्लांटेशन कर रहे हैं, एक चीज आप देखेंगे इसमें कि जो ग्राफ्टिंग गुलियां है ना जी, वो पहले ही मिट्टी के अंदर दब गया। नहीं नहीं इसका तो पूरा जाएगा जी, अभी अब ये बैठेगी मिट्टी। ये गलती हम कर जाते जी, और बाद में हम बोलते कि रूट रॉट हो गया जी, कॉलर रॉट हो गया। कॉलर का कॉलर का मतलब हो गया जी ग्राफ्टिंग यूनियन, रॉट का मतलब हो गया रॉटिंग, सड़ना। गले का मान लो मेरा हाथ और बाजू सड़ती है जी, तो एक ऑप्शन है कि काट के बंदा खड़ा तो रहेगा, अगर आपने गर्दनी कॉलर 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 नहीं दबाना। जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीदे तो एटलीस्ट ये सुनिश्चित करें कि 6 से लेकर 9 इंच ऊंची कलम हो। दूसरा, जब आपने गड्ढा बनाया और मिट्टी भरी, आपने गड्ढे में मिट्टी भरी और पौधा लगा लिया, जबकि क्या होना चाहिए था, जो ये भाग है ना जी इसका समतल भाग, जो ट्रॉपिकल है इसका, यहाँ से मिट्टी इतनी ऊपर उठनी चाहिए थी, उसके ऊपर पौधा लगना चाहिए था, क्योंकि जब ये बैठेगा अभी खुदा ना अपनी मिट्टी, अभी सेट भी दोगी तो ये और गहरा जाएगा अभी, और क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी। पानी जब रुकता है तब आपके जड़े खराब होते, वो किसी भी रूप में खराब हो सकती है। फिर बोलेगे सेलोरेशियम आ गया, कोई बोलेगा फाइटोपथोरा आ गया, कोई बोलेगा क्या आ गया, वो तब आया जी जब आपने पौधा गलत तरीके से लगा। ये फर्स्ट सिलेक्शन थी जी जो आपने गलत की। किसका जी ये बगीचा? मेरा जी। आपका ना, तो नजदीक रहो फिर आप, किसान करो आप। ये आपकी गलती है जी। अब मैंने आपको क्या बोला कि बच्चों की तरह ट्रीट करना है, आप कहाँ नहीं कर रहे। ये हमारा वो बीज था बच्चे के रूप में जो हमने पहला कदम लगाया, और इसमें हम पहले ही कदम में गलती कर दी। आने वाले टाइम में क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ही। इसीलिए आप ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चे की तरह ट्रीट करना है, हमने जो पहला बीज लगाया है, अंकुर लगाया है, वो बढ़िया लगाए। जब आप बच्चे को बढ़िया पालन पोषण करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो कैसा बनेगा, जो होनहार बनेगा ना। तो अगर आप उसको पहले ही गलत संगत में डाल देंगे, उसको बोलेंगे कि एक एक ढक्कन तो पीना ही पड़ेगा तेरे को आज दूध की जगह, तो क्या होगा जी, मौसम बन जाएगा, तो कई चीजें हैं जी। तो हमें ये देखना कि हमारा भविष्य क्या है, ये हमारा आज का वर्तमान है और ये कल का हमारा भविष्य है। जब वर्तमान अच्छा करेंगे तब जाके भविष्य अच्छा। अब बड़ी बात आती है जी कि आप इसको क्या चीजें देते हैं। बहुत सारे लोगों को ना बड़ी एक दुविधा होती है कि जी इसमें तो मैंने डाल दी नाइट्रोजन भी डाल दी, सुपर भी डाल दी, पोटाश भी डाल दी इसमें। बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ्या है, अरे सबसे ज्यादा जरूरत तो, ये तो अभी अंडे से निकला है, बच्चा है, इसी की तो सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है। अब एक बड़ी बात आती जी जो आज मैं दुविधा क्लियर कर लूंगा, ये छोटा हो बड़ा हो सभी तरह के पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे छोटा है चाहे। फर्क क्या है, इसको ज्यादा चाहिए, इसको इसको हमने स्पून फीडिंग करनी है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा। एक सिमिलरिटी और समझनी है अब आपने, अब आप उम्मीद करेंगे कि ये पौधा अच्छा ग्रोथ करे, तो एक चीज याद रखना जी, ग्रोथ काहे से आती है जी, मिट्टी में ताकत हो जाए, खाने को देंगे। चलो जी न्यूट्रिशन होगी, मगर जो सबसे अहम रोल अदा करता है वुड बनाने में, वुड प्रोड्यूस करने में, वो होता है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो चार्ट चलता ना उसमें NPK और अदर, इसको आप दो कैटेगरी में बांटो, प्राइमरी न्यूट्रिशन और सेकेंडरी न्यूट्रिशन, प्रथम और द्वितीयक श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में क्या आएगा, NP और K। मगर मैं एक न्यूट्रिएंट्स और ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से किया जी, मैं कोई साइंटिस्ट और डॉक्टर तो हूँ नहीं, मगर फिर भी मैं आपको जो मैंने सीखा है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है जी कैल्शियम, उसको मैं फर्स्ट कैटेगरी में रखता हूँ, जिसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं। फूल से लेकर तोड़ने तक एक जो न्यूट्रिशन रेगुलर चलता है, नाइट्रोजन आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बंद कर देते हैं, अखरोट के बाद डालना बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कलरेशन में प्रॉब्लम। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो शुरू से लेकर एंड तक पड़ता रहता है, चाहे थोड़ी मात्रा में पड़े रेगुलर, चाहे सेल बॉन्डिंग की बात हो, सेल डिवीजन की बात हो, आपके फ्रूट रस्ट कंट्रोल करने में की बात हो, साइज इंक्रीज करने की बात हो, किसी भी रूप में कैल्शियम का बड़ा अहम रोल है। प्राइमरी न्यूट्रिशन में क्या क्या है जी आपके, NPK और कैल्शियम।